दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऋग्वेद में इंद्रदेव को पुरंदर कहा गया है। इसमें 250 सूक्त केवल इंद्रदेव को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा और प्रकृति का देवता बताया गया है। ऋग्वेद के अनुसार इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। इंद्रदेव स्वर्ग लोक के राजा होने के साथ ही सभी देवताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। देवेंद्र के पास कई महाविनाशकारी शक्तियां और अस्त्र थे, जिनके प्रयोग से उन्होंने कई दानवों का वध किया था। देवराज इंद्र और असुरों के राजा बलि ने मिलकर समुद्र मंथन करवाया था। एक समय रावण के पुत्र मेघनाद और इंद्रदेव में स्वर्ग लोक के अधिपति को लेकर भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मेघनाद विजयी हुआ था। युद्ध के बाद मेघनाद इंद्र को पकड़कर लंका ले गया, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर मेघनाद ने इंद्रदेव को मुक्त कर दिया। इस कारण रावण के पुत्र मेघनाद को इंद्रजीत कहा जाता है। महाभारत काल में अंगराज कर्ण ने अपने कवच और कुंडल इंद्रदेव को दान कर दिए थे। अंगराज कर्ण के मना करने पर भी दिव्य शक्तियों वाला एक महाविनाशकारी अस्त्र इंद्रदेव ने कर्ण को प्रदान किया था।